दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके घर में भी अभी तक शौचालय नहीं बना हुआ है और आप भी शौचालय के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि शौचालय योजना के लिए एक नए पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है, जिसके माध्यम से अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपका जो शौचालय है बहुत जल्दी अप्रूव हो जाएगा, और जैसे अप्रूव हो जाता है तो आपके खाते में 12,000 रुपये की नकद राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो कौन सा वो पोर्टल है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या इसका प्रोसेस है, सब कुछ इस वीडियो में कम्प्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो अगर आप भी शौचालय के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा कम्प्लीट देखना होगा। और वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई सा एक ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ आपको टाइप कर देना है SBM, ठीक है, SBM 2.0 रजिस्ट्रेशन आपको इतना लिखना होगा, SBM 2.0 रजिस्ट्रेशन आपको इतना लिख के सर्च कर देना है। जैसे इतना लिख के सर्च कर दो तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का, आपको पहले वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। अब जैसे पहले वाले लिंक पे क्लिक कर देना आपके सामने देखिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है, यहाँ पे देखने सिटीजन रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ आपको देखने था मोबाइल, ठीक है, यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर को टाइप करना है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ सिटीजन का जो भी नाम है उनका नाम टाइप कर देना है। जेंडर को यहाँ पे देखने को मिलता है, आपको जेंडर को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आप लोग पूरा डिटेल आपको पूरा एड्रेस को यहाँ पे फिल कर देना है, अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट यहाँ पे देखते हैं ऑल स्टेट दिया हुआ है, तो जो भी आपका स्टेट अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करना और सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका आईडी पासवर्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आपको देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन, आपको लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। अगर आप मोबाइल मोड में चला रहे हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा साइड में इधर आपको स्क्रॉल कर देना है। चलिए थोड़ा सा हम इधर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे सिटीजन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब जिस मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है, गेट ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जो भी मोबाइल नंबर आपको ओटीपी को सेंड किया जाएगा ओटीपी को यहाँ फिल करना है, फिल करने के बाद यहाँ पे देखिएगा कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में फिल करना और साइन इन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके लॉग इन हो जाना है। इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, यहाँ का पूरा डिटेल शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको देखने को मिलता है 3 लाइन, ठीक है, यहाँ आपको पहले डिटेल देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 3 लाइन। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 3 लाइन पे क्लिक कर देना। जैसे 3 लाइन पे क्लिक करेगा पहले आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी देखने को मिल जाता है, नीचे आप यहाँ पे आके एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 3 लाइन पे क्लिक करना। अब जैसे 3 लाइन पे क्लिक करेगा तो यहाँ आपको देखने को मिलता है न्यू एप्लीकेशन का, ठीक है, अगर आप पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे क्या करना, न्यू एप्लीकेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने देखिएगा एक नया पेज ओपन हो जाएगा, एक फॉर्म खोल के ओपन हो जाएगा, तो देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिएगा न्यू एप्लीकेशन IHHL एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सबसे पहले स्टेट को सिलेक्ट करना, जो भी आप स्टेट से जब आईडी क्रिएट किए होंगे तो आप आईडी में उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किए होंगे, जो भी आप स्टेट को सिलेक्ट करेगा स्टेट वही देखने को मिलेगा। आपको डिस्ट्रिक्ट नेम देखने को मिलता है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे देखिएगा अपना ब्लॉक नेम को सिलेक्ट करना है, पंचायत नेम को सिलेक्ट करना है, विलेज नेम को सिलेक्ट करना है, हैबिटेशन नेम आपको सिलेक्ट कर लेना है। एक बार आपको थोड़ा सा नीचे आना, नीचे यहाँ आपको देखो सेक्शन बी टॉयलेट ऑनर्स पार्टिकुलर, तो यहाँ पे नेम ऑफ द एप्लीकेशन एज पर आधार कार्ड, जो आपके आधार कार्ड पे नाम होगा वही नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे टाइप करना है, चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और वेरीफाई आधार नंबर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे वेरीफाई आधार नंबर वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपका आधार कार्ड जो है वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे देखिएगा फादर या हस्बैंड का नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है, अगर कोई लेडीज हैं तो उनके हस्बैंड का नाम टाइप कर दीजिएगा, अगर शादीशुदा है तो नहीं तो उनके फादर का नाम टाइप करिएगा। जेंडर को सिलेक्ट करिएगा, जेंडर सेलेक्ट करने के बाद कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, कैटेगरी में ओबीसी एससी एसटी जो भी है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, एपीएल कार्ड है उनका, बीपीएल कार्ड है यहाँ पे देख सकते हैं, कैटेगरी में आपको एपीएल या बीपीएल आपको कार्ड देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सब कैटेगरी का ऑप्शन देखने मिलता है, सब कैटेगरी वाला ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेगा तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे पर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एपीएल या बीपीएल, ठीक है। जैसे सेलेक्ट करेगा यहाँ पे सब कैटेगरी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सब कैटेगरी में आपको जनरल एससी एसटी जो भी है उसको सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे आपको कार्ड टाइप का ऑप्शन देखने मिलता है, यहाँ पे आधार कार्ड पहले से सेलेक्ट है तो कार्ड नंबर आपको कुछ भी टाइप करने का जरूरत नहीं, आपको बस सिंपल आपको नीचे चले आना है। नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा आपका मोबाइल नंबर पहले से देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ईमेल आईडी को टाइप करेगा, पूरा फुल एड्रेस को टाइप कर देना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करना है, यहाँ आपको देना सेक्शन सी बैंक अकाउंट डिटेल, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अपना अपने एक अकाउंट का IFSC कोड टाइप करना है। और हम आपको सजेस्ट करेंगे
कि जो आपके आधार कार्ड में लिंक बैंक अकाउंट होगा वही आपको बैंक अकाउंट यहाँ पे डिटेल को देना है। तो पहले आप IFSC कोड को यहाँ पे टाइप करेगा, यहाँ पे नो योर IFSC कोड, अगर आपका अपना IFSC कोड नहीं पता है तो यहाँ आप सर्च भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको पता था IFSC कोड यहाँ पर टाइप करिएगा, बैंक का नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है, ब्रांच आपको नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है, ब्रांच का एड्रेस आपको यहाँ पर टाइप करना है, उसके बाद आपको नीचे देखना है एज अ बैंक स्टेट, तो जिस बैंक जो भी स्टेट है स्टेट को सिलेक्ट करेगा, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेगा, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप कर देना, उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर देना, उसके बाद यहाँ पर देखना है स्कैन फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक, आपको अपने जो आपका पासबुक है उसको आपको स्कैन कर लेना है, स्कैन कर लेगा फिर कैमरा से फोटो खींच लीजिएगा, क्लियर फोटो होना चाहिए, फर्स्ट पेज जो है आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना है, चूज फाइल पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको इसको यहाँ से अपलोड कर देना है। डेस्क डिजाइन नोट आपको यहाँ पर कुछ बताएगा कि ओनली PDF JPEG PNG आर नॉट अलाउड, इमेज मस्ट बी क्लियर एंड साइज 200 KB पासबुक अप्लीकेंट, ठीक है। अब यहाँ से आपको बस जैसे ही अपलोड कर लीजिएगा, अपलोड करने के बाद यहाँ अप्लाई वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना, जैसे अप्लाई वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देते यहाँ से आपका अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा दिन वेट करना, वेट करने के बाद आपको थिलाइन पे क्लिक करना, थिलाइन पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको इस थिलाइन पे क्लिक कर देना, अब थिलाइन पे क्लिक करेगा तो देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखेंगे, तो यहाँ आपको देखता है व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन, आपको व्यू एप्लीकेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना, व्यू एप्लीकेशन वाला ऑप्शन जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ आपका जो भी रिकॉर्ड है आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं है तो कोई रिकॉर्ड नहीं देखने को मिल रहा है, अगर आपका जो भी रिकॉर्ड रहेगा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अगर आपका अप्रूव हो गया रहेगा तो आपके अकाउंट में 12,000 रुपये क्रेडिट कर दिए जाएंगे।